मुनव्वर पे आरोप लगाए, क्या वो सिर्फ इस शो पर आने का एक जरिया था? और पांव कितने सुंदर हो रखे हैं नीचे से ना, चाट सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मेरे पास जैसे कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है बिग बॉस देखने के अलावा, क्योंकि अब ना तो वर्ल्ड कप है और ना ही टेम्पटेशन आइलैंड है, वो भी फिर भी थोड़ा कहीं हद तक इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग चल रहा था, तो मैं उसको देख रही थी। और फिर जब ख़त्म होने वाला था तो मैं सोच भी रही थी कि अब मैं क्या देखूँगी भाई, अब क्या देखना पड़ेगा। तो अब मुझे बिग बॉस ही देखना पड़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे आज उससे रिलेटेड कुछ रील्स और उन पर रिएक्ट करेंगे। आपके नजर में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी इस शो पे? मैं अपने फाइव बताता हूँ। नंबर वन वड़ा पिन्नी, नंबर टू वड़ आई थिंक ईशा, ठीक है। नंबर थ्री मुझे से लगता है अंकिता, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों खुद को नंबर वन पे, ये खुद से सवाल करने चाहिए इनको। पांच छह हफ्ते में तो ये खुद ही की बैंड बजा रहे थे, फिर बाहर जाने के लिए तड़प रहे थे, फिर थोड़ा ठीक संभले तो चार हफ्ते चुप रहे कि भाई मेरे को, और खुशी बनाए कि मेरे को बाहर से फीडबैक कुछ बोला ही नहीं, मतलब फिर एक बार नचवा दिया तो बावले हो गए। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग के बेस पे बोल रहा होगा, जैसे कि पिछली बार एल्विश था वो नंबर वन पे, चाहे से कुछ करे ना करे, लेकिन एल्विश ने तो फिर भी बहुत कुछ किया था, लेकिन अनुराग तो कुछ भी नहीं करा और फिर भी ये खुद को बोल रहा है कि मैं नंबर वन पे हूँ, तो ये तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। पर फिर भी अब अगर फैन फॉलोइंग के बेस पे ये जैसे कि बोल रहा है, तो फिर भी वन पे तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वन पे। तो बाकी देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट। जितने की मेरे भाई के उतने में तेरा घर जाएगा। मेरा डायलॉग क्या होता है? डायलॉग था जिसका कॉपी कर रहे हैं ना, खुद का तो लिया। मैंने बोल दिया एक मिनट, मैंने बोल दिया दूसरा डायलॉग कॉपी, मैंने बोल दिया। बाबू भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैंने बोल दिया। उसका क्या है? मैंने बोल दिया। उसका क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा वजूद बिल्कुल। और इसने एक वो स्टम वाला भी बोला था ना, सिस्टम, तो वो भी मतलब कि एल्विश की कॉपी, मतलब सब कुछ कॉपी कॉपी करके डायलॉग बोल रहा है। भाई तुम खुद का कुछ बनाओ ना, तो जाके बाहर कुछ ना कुछ वायरल तो हो ही जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं, जनता देख भी रही है तो कुछ ना कुछ पसंद आ भी जाए, क्या पता। पाँव कितने सुंदर हो रखे हैं नीचे से ना, चाट सकते हैं। मैं खुद चाट लो, मैं खुद चाट सकती हूँ इसको। कैसी बातें कर रही हूँ मैं, दिस इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। मतलब बिल्कुल ये भी नहीं सोच रही कि वो उससे कितनी ज्यादा सीनियर है, काम में भी। और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सलमान से एक बार हेलो भी नहीं बोला क्या? आप जिंदा हैं, आप वाइल्ड शॉट हैं, बोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो। बुरा नहीं लगेगा, मैं बच्ची नहीं। तो बस प्लीज, अगर आपको इस शो पर मेरा महत्व नहीं लग रहा है तो प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। क्यों तू आई किसी और चीज के लिए थी और एक ही दिन में तुम, उसने सॉरी बोला? अरे भाई उसने सॉरी बोल दिया, मैं तुम मान गई। क्यों? बस एंट्री लेनी थी मुनव्वर के नाम पे। Why the, you bring that? आप प्लीज पैर मत रखिए, आप पहले अपना हाथ देखिए, आप पहले मेडिकल रूम जाइए। आपको क्या चाहिए? वरना मुझे नींद नहीं आएगी पूरी रात। आप जाइए मेडिकल रूम पहले, पहले आप मेडिकल रूम जाओ पहले। आप यार ये मुनव्वर अच्छी तो लगती है, मुझे इस चीज में अच्छी लगती है मुनव्वर। अब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये इनसिक्योर हो रही है आयशा के आने से, तो ऑब्वियसली वो होएगी, चाहे से दोस्त हो या कुछ भी हो, वो होएगी। क्योंकि इतने मतलब कि स्टार्टिंग से बिग बॉस में तो तुम उसके साथ ही थे, पूरा टाइम उसके साथ रहते थे। अब आयशा आ गई है तो तुम एकदम से उससे दोस्ती तोड़ के और कहीं और चले गए, तो उसको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को तो कोई फेक तो बोल नहीं सकता। अच्छा तो है यार, ये अच्छा है, मनारा का साथ दे रहा हर लड़ाई में, बिल्कुल है। मेरा मुद्दा भी नहीं है।
ये चिंटू का सही है यार, ईशा के पल्लू में लटके लटके बिग बॉस में चला गया। मुझे भी मुनावर ने बोला था इस साल ले जाएगा, पर शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, या फिर है। मेरे साथ धोखा हुआ है, माना मुनावर 60-70 दिन से बिग बॉस में, पर मेरे को आज याद आई कि उसने मुझे आई लव यू बोला है। हाँ बिग बॉस, आ रही हूँ अंदर। आई लव यू, आप जैसे व्यक्ति से तो शादी करना चाहिए, गलतियों की माफी होती है गुनाहों की नहीं। बिल्कुल सही बोल रही है बिचारी, मैं तो इसी के साइड हूँ, आई लव यू बोलना गुनाह है, वो भी इसको जो कि खुद एक सिग्मा मेल से इग्नोर होके फेमस हुई। अच्छा हुआ बहन जो एक बार में हट गई, वरना अंकल जितने हैवी दिख रहे थे ऐसे करके भी मार देते ना टपली पे, तो बाहर के बाहर जाके गिरती और वहां जाके मार डाला करना पड़ता। अभी वैसे बिग बॉस में जा रही है, वहां जाके देखो क्या क्या करना पड़ता है। जो उन्होंने किया है वो गुनाह है, जब मैं शो में जाऊं आई वांट एन अपॉलॉजी। एक ओ भाई, गुनाह है मतलब कि उसने गुनाह कर दिया और तू उससे लड़ने के लिए अंदर गई और 24 घंटे के अंदर माफ भी कर दिया, ये कैसा गुनाह होता है भाई कि अंदर जाते माफ हो गया। आयशा ने जो सोशल नेटवर्क पर मुनव्वर पे आरोप लगाए, क्या वो सिर्फ इस शो पर आने का एक जरिया था? और अगर उन सारे आरोपों में कुछ सच्चाई थी तो क्या वो इतने कमजोर थे, वो इतने जल्दी सुलझ भी गए? सलमान भी समझ गया, जस्टिफिकेशन देकर क्या ये पॉसिबल है कि इतने संगीन आरोप, इतने सीरियस एलिगेशंस अंत में इतने हल्के निकले? यही तो हर किसी के सवाल यही है। मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि मनारा को देखो यार तुम लोग, मनारा को घंटा ही रखनी पड़ रहा, वो बंदी गिर गई वहां पे उसके सामने और वो जरा सा उठ के भी नहीं गई। वैसे अच्छी बात है यार, मनारा से दूर हो गई, नहीं तो फिर ये उन्हीं लड़कियों की लिस्ट में आ जाती जो मुनावर की लिस्ट में है ऑब्वियसली। मैंने का प्रोमो देखा था मैंने, क्या हुआ उस प्रोमो का? वो तो बाहर हो गया टेलीकास्ट। सॉरी बोल दिया, अब मैं क्या लड़ती रहूं उस बात पे? आज का तो खत्म हो गया खेल, फिर क्यों मैसेज इसके लिए आई थी? पर्पस लाओ, पर्पस लाओ, चलो ये सही बोल रहा था, प्रॉब्लम अब कहां गई? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, उन्होंने सॉरी बोल दिया। सॉल्व हो गया, अभी आ गया कर रही हूं, गेम खेल रही हूं ना, गेम खेल रही हूं, पहले तो बोल रही थी उसको कि पता नहीं कब ने आई हूं, अब बोल रही हूं गेम खेल रही हूं। अरे मैंने कहा यार सब कुछ पता चल रहा, साफ साफ पता चल रहा, ये सोच रहे होंगे कि जनता बेवकूफ है, जनता को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन सबको पता है कि ये इनकी प्लानिंग थी पहले से ही अंदर जाने की। लड़की भी क्या कर रही है सुबह से नाच नाच के, समझ नहीं आ रहा। ये बावली हो रही, बावली हाँ बावली, पता है अभी टॉप उठा के अपना टिकटॉक वाला अपना यहाँ पे भी चालू कर दिया है। ये सुबह उठी और वो सुबह का वो चल रहा था तो ऐसे ही करती, क्यों क्यों कर रहे हैं ये, क्या होता है? अच्छा ये सुबह भी ऐसा है सब लोग। ओ भाई चिंटू ने उससे ज्यादा अच्छा किया है, तुमको क्या लगता है किसने ज्यादा अच्छा किया? हु डिड इट बेटर? मुनावर भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो, मेरी चारों बहन से शादी कर लो। दो इसलिए दिखा रहा है कि दो सीट तो फुल हो रखी है, अभी दो की जगह खाली है, दो बहनों को ला सकते हो तुम। भाई ये कैसे झेल रही है, कैसे झेल रही है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे ये सब दिखा रहा है, वो जब वो टीवी पे इतना कर सकता है तो घर पे तो क्या ही करता होगा। जब भी इसकी शक्ल बहुत ऐसी डल डल सी लगती है, बहुत पहले तो ये कितनी सुंदर सी लगती थी, और मतलब इसको भी पता है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इसकी माँ इसको उल्टा डिफेंड करने में लगी हुई है विक्की को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत लवली कपल है, ऐसा क्यों? ईशा ने जो किया था स्टार्टिंग में वो तो इतना बड़ा कुछ इशू था भी नहीं, इतना बड़ा नहीं था जितना मुनावर का, मुनावर तो बहुत सारों को एक साथ घुमा रहा है तो वो ज़्यादा गलत है, लेकिन फिर भी लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। और ईशा ने जब सिर्फ इतना सा बोला था कि
तू क्या बोल के आया है समर्थ? हाँ तो इतना सा उसने किया था, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा बोला गया था। और अब जो मुनावर कर रहा है इसके बाद फिर भी इसको डिफेंड कर रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि शायद वो एक लड़का है, और एक दूसरा रीज़न कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। पहले तो यार हम सब सपोर्ट करते थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे उसको, लेकिन अब जब ये आयशा और नसीला वाला केस हुआ है तब से बहुत सारे उसके जो लोग हैं उन्होंने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। मेरे जैसे लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे मैं तो पहले भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को इसमें से कोई पसंद ही नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लगता था, मेरे को ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। और बाकी तो आगे गेम में पता चलेगा, क्या पता वो अच्छा करे तो वो सपोर्ट कर सकते हैं आगे जाके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्या बोल रही हूँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको ऐसे वीडियोज और चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अब मिलते हैं हम व्लॉग में, तो कल ही मिल जाएंगे, और वैसे मिलेंगे हम 3 दिन बाद। ओके बाय। आके बोला था कि मुझे सॉरी चाहिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, पर मुझे तो आप 24 घंटे उसके साथ दिख रहे हो। आपकी भी जो स्टेटमेंट थी वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी निकली। आपने आती बोला था मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, आपने उस सोफे पे बैठ, मैंने ये भी बोला है, जैसे आपने वो बात सुनी है, मैंने ये भी बोला है कि अगर मुझे दिख रहा है कि किसी इंसान के मेंटल हेल्थ पे उस चीज़ से अफेक्ट होगा, मुझे पता है कि मेरा इस चीज़ पे, आपको बाहर नहीं पता था उसकी मेंटल हेल्थ? नहीं, मैं तो इस सेंस आई थी कि वो डिनाई करेगा, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना अभिषेक, मुझे लगा था कि वो डिनाई करेगा, डिनाई करके भी वो मेंटल हेल्थ उसकी खराब होती है।